हाय, दिस इज मनीषा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने फेस्टिवल बहुत इंजॉय किया होगा। तो इंजॉयमेंट अब खत्म हो चुकी है, तो अपनी प्रिपरेशन को आप फिर से स्टार्ट कर दीजिए। तो आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ एक जबरदस्त खुशखबरी, जो कि डायरेक्ट निकल के आ रहा है इंडियन आर्मी की तरफ से अग्निवीर रैली रिक्रूटमेंट 2024 के रिगार्डिंग। बहुत जल्द इसका नोटिफिकेशन आउट होने वाला है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, एग्जाम की पैटर्न पोस्ट वाइज क्या रहने वाली है, फिजिकल में क्या सब होगा। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, हम लोग फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। एज आई टोल्ड यू फ्रेंड्स कि इंडियन आर्मी के अंदर अग्निवीर रैली भर्ती आने वाली है, तो आइए देखते हैं कि पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन क्या है और एज की लिमिट क्या रखी गई है। फर्स्ट पोस्ट आता है सोल्डर जीडी के लिए, सेकेंड है आपका कलर के लिए, थर्ड ट्रेड्समैन एंड फोर्थ आपका टेक्निकल के लिए है। तो फ्रेंड्स, आपका जो है सोल्डर जीडी के लिए 10th पास आउट होना चाहिए, मतलब ओवरऑल 45% 10th में होना चाहिए और 33% ना हर सब्जेक्ट में होना चाहिए। कलर की पोस्ट के लिए 10+2 में ओवरऑल 60% एंड ईच सब्जेक्ट में मिनिमम 50% होना चाहिए। ट्रेड्समैन के लिए 8th या फिर 10th दो लेवल से अप्लाई होता है, तो इसमें आपको 33% ओवरऑल और हर सब्जेक्ट में होना चाहिए। टेक्निकल के लिए 10+2 में आपका PCM प्लस इंग्लिश में होना चाहिए 50% और 40% बाकी के हर सब्जेक्ट में कम से कम होना चाहिए। रही बात एज के लिमिट की, तो आपका जो एज लिमिट होता है ना फ्रेंड्स, 17.5 साल से लेके 21 साल, मतलब 17.5 years to 21 years तक के कैंडिडेट्स इसको अप्लाई कर सकते हैं। आइए अब बता देती हूँ कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है। योर सिलेक्शन विल बी डिपेंडेबल ऑन मेजर 5 stages। एट फर्स्ट स्टेज यू हैव टू क्लियर रिटन एग्जाम, मतलब कि जब प्रथम चरण में आपको ना एग्जाम देना होता है, लिखित परीक्षा होती है जैसा कि बाकी के डिफेंस के एग्जाम में होता है। सेकेंडली आपका होता है क्या, फिजिकल, आपकी शारीरिक क्षमता और शारीरिक माप का परीक्षण लिया जाता है। फिर होता है आपका DV यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, लास्टली मेडिकल होती है और इन सब के अकॉर्डिंग आपकी मेरिट लिस्ट बनती है और फिर आपको आपकी ज्वाइनिंग लेटर दे दी जाती है। तो ज्वाइनिंग लेटर तक पहुंचने से पहले हम लोग एग्जाम की पैटर्न को समझ लेते हैं। GD एंड ट्रेड्समैन के लिए जो एग्जाम होती है उसमें 50 questions होते हैं 100 marks के लिए, टाइम मिलता है 60 मिनट का। GK के 15 क्वेश्चंस रहते हैं 15 मार्क्स के लिए, मैथ्स के 15 क्वेश्चंस 15 मार्क्स के लिए, साइंस के रहते हैं 15 क्वेश्चन और रीजनिंग के 5 क्वेश्चंस। वहीं पर टेक्निकल की अगर बात करें, टेक्निकल से जो बच्चे फॉर्म अप्लाई करेंगे उनके लिए 50 questions 200 मार्क्स के लिए, टाइम विल बी 60 मिनट्स। इसमें सब्जेक्ट वाइज बात करूं तो GK के 5 क्वेश्चंस रहेंगे आपको 10 मार्क्स के लिए, रीजनिंग के 5 क्वेश्चंस रहेंगे, मैथमेटिक्स के 15 क्वेश्चंस, फिजिक्स के 15 क्वेश्चंस और केमिस्ट्री के 10 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। सो ओवरऑल 50 क्वेश्चन 200 मार्क्स और समय 60 मिनट यानी 1 घंटे का रहेगा। वहीं पर अगर कलर की या स्टोर कीपर की पोस्ट की देखें, 50 क्वेश्चन 200 मार्क्स के लिए, टाइम 60 मिनट्स के होंगे। इसमें सब्जेक्ट वाइज देखा जाए, GK के 5 क्वेश्चंस रहेंगे, साइंस से 5 क्वेश्चंस रहेंगे, कंप्यूटर के 5 क्वेश्चंस होंगे, मैथ्स के 10 क्वेश्चंस और इंग्लिश के 25 क्वेश्चंस रहने वाले। तो आगे हम लोग जानेंगे कि ये इसका नोटिफिकेशन कब आएगा, फॉर्म कब से कब तक अप्लाई हुआ, एग्जाम कब होगा, लेकिन उससे पहले आइए हम लोग फिजिकल क्राइटेरिया समझ लेते हैं। तो फ्रेंड्स, फिजिकल जो होगा उसमें आपका फर्स्ट ऑफ ऑल रनिंग होता है, 1.6 किलोमीटर की रनिंग होगी, जिसको आपको सारे जो बच्चे 5.5 मिनट में कंप्लीट करते हैं उनको मिलता है 60 मार्क्स। जो 5 मिनट 31 सेकेंड से 5 मिनट 40 सेकेंड के बीच में कंप्लीट करते हैं उनको यहाँ पर 48 मार्क्स मिलते हैं। उसके बाद आपका पुलअप्स होता है 10 टाइम्स 40 मार्क्स के लिए, 9 फीट का डिच होता है जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होता है, फिर जिग जैग बैलेंस मतलब रस्सी पे खुद को बैलेंस करना होता है, ये भी क्वालिफाइंग नेचर का होता है। तो ये हो जाता है आपका क्या, PET फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट। तो फिर आपका क्या होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। तो इसमें फ्रेंड्स कलर के लिए मिनिमम हाइट 162 सेंटीमीटर, अदर पोस्ट के लिए 169 सेंटीमीटर मिनिमम हाइट की रिक्वायरमेंट रहने वाली है।
फिर चेस्ट का जो रिक्वायरमेंट होता है ना, मिनिमम 77 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना चाहिए, मतलब 77 टू 82 सेंटीमीटर के बीच आपका चेस्ट का रिक्वायरमेंट है यहाँ पर। तो चलिए, आई होप कि एग्जाम की पैटर्न और फिजिकल आप बढ़िया तरीके से समझ पाए होंगे। आगे मैं बता दूं कि नोटिफिकेशन इसका कब तक रिलीज होगा। तो फ्रेंड्स, इसका नोटिफिकेशन ना आपको नवंबर लास्ट वीक तक आ जाएगा। तो तैयारी की स्पीड को बूस्ट करो, आप लोग अच्छे से तैयारी करो, बहुत जल्द वैकेंसी आएगी और अच्छे खासे नंबर ऑफ सीट्स पे आने वाली है। फॉर्म कब से कब तक अप्लाई होगा? तो आपका ये फॉर्म दिसंबर से जनवरी के बीच में अप्लाई होगा और एग्जाम का जो डेट रहने वाला है क्या आपका मार्च और अप्रैल 2024। तो एग्जाम के लिए भी आपको अच्छा खासा टाइम मिलेगा। अब रही बात कि मैंने जो कुछ भी आपको डिटेल बताया है उसके बारे में अगर आप नोटिफिकेशन जानना चाहो या फिर और कुछ जानकारी चाहिए हो, जो भी पोस्ट वगैरह आते हैं सबका आपको डिटेल मिलेगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे। तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, सबका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो वहां पे भी जाके आप मुझे फॉलो कर लो और अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो भर भर के प्लीज लाइक करो, फ्रेंड्स के साथ इस इंफॉर्मेटिव वीडियो को शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को आप ऑल पे सेट कर दो ताकि मेरी सारी न्यू वीडियो सबसे पहले आप सभी तक पहुंच पाए। तो मिलूंगी आपसे फिर से किसी जबरदस्त गवर्नमेंट जॉब की अपडेट के साथ। टिल देन स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।